आशा किरण होम एक बार फिर से सुर्खियों में है क्योंकि लापरवाही एक बार फिर से सामने आई है। कई मौतें हुई हैं जिसके बाद दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष ने वहां दौरा किया। क्या कुछ वहां उन्होंने देखा, उनसे बात करते हैं। स्वाति मालीवाल हमारे साथ हैं। स्वाति जी, क्या कुछ पाया आपने वहां पर और गई क्यों थी आप? बिल्कुल भयानक और नरकीय स्थिति है। हम लोग सरप्राइज़ इंस्पेक्शंस करते हैं, तो सरप्राइज़ इंस्पेक्शन करने के लिए हम लोग एक रात वहाँ पे पहुँचे और पूरी रात मैंने वहाँ पे बिताई। वहीं पे उनके साथ मैं सोई और इतना बुरा हाल मैंने कहीं नहीं देखा। 11 मौतें हुई हैं जैसे आपने कहा, एक एक बिस्तर के ऊपर चार चार महिलाएँ लादी हुई थी। 150 के स्ट्रेंथ के ऊपर सिर्फ एक स्टाफ था। ऐसी महिलाएँ थीं जो अपना चल भी नहीं पा रही हैं, वो बाथरूम तक भी जा रही हैं तो घसीट घसीट के जा रही हैं। उनके पास कोई व्हीलचेयर नहीं था और वो सब जगह गंदा हो रखा था क्योंकि कोई भी महिला इतनी उसके अंदर वो क्षमता नहीं है कि वो बाथरूम में जाके प्रॉपरली अपना बाथरूम जा सके। तो सब जगह गंद था, सब जगह इतनी गंदगी थी, इतनी बदबू थी, बहुत ही बुरा हाल था। और बहुत ही चौंका देने वाली बात है, सीसीटीवी कैमराज कॉरिडोर्स में लगा रखे हैं लेकिन उन्हीं कॉरिडोर में इन महिलाओं को लाइन में लगा के नंगा करके खड़ा कर देते हैं और फिर उनको एक एक करके नहलाते हैं। तो वो सारा का सारा जो सीसीटीवी फुटेज था, हमने जब जाके चेक करा तो वो तीन आदमी उस फुटेज को मॉनिटर करते हैं। तो एक तरीके से वो तीन आदमी रोज़ इन महिलाओं को इस अवस्था में देख रहे हैं। बच्चे भी थे, बहुत बुरे हाल में थे। पूरे कॉम्प्लेक्स में एक भी साइकोलॉजिस्ट नहीं है। एक साइकियाट्रिस्ट है जो कि एक हफ्ते में दो बार आता है और वो भी कुछ चंद समय के लिए, और 950 पेशेंट्स हैं उसके, और बार बार दवाइयों पर दवाइयाँ दी जा रही हैं। बहुत ही भयानक, बहुत ही मैं तो ये कहूँगी कि वो बिल्कुल ज़िंदा नर्क है वो जगह, और बहुत घुटन है उस वहाँ पर। हम लोग वहाँ रहे, एक तरीके से उनको बस वहाँ पे जानवरों की तरह रखा गया है। उनकी ज़िंदगी कैसे बेहतर हो उसके ऊपर कोई काम नहीं हो पा रहा। दिल्ली महिला आयोग ने तुरंत नोटिस इशू करा है सोशल वेलफेयर सेक्रेटरी को दिल्ली सरकार के, और हम 72 घंटे में जवाब चाहते हैं क्योंकि जो वहाँ पर हो रहा है वो इतना गलत है कि हमारे पास कोई शब्द नहीं है। हम पूरी रिपोर्ट चाहते हैं कि कैसे ये मौतें हुई, कौन कौन वहाँ पे विजिट करने गया, क्या सोशल वेलफेयर की सेक्रेटरी विजिट करने गई, क्या उन्हें पता था ये सब चल रहा है, और विजिट करने गई तो विजिट की रिपोर्ट क्या थी और उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया, और क्यों नहीं स्टाफ यहाँ पर बढ़ाया जाता है। इतने बुरे हाल में इतनी सारी महिलाएं रह रही हैं, और वो भी वो जो कि अपने लिए कुछ नहीं कर सकती, उनकी जिम्मेदारी है स्टेट की कि उनको मदद करें। तो इसके ऊपर हम बिल्कुल संजीदा हैं, 72 घंटे में जवाब मांगा है, और आशा किरण को बिल्कुल दिल्ली महिला आयोग हर हाल में बदल के रहेगा। एक और चीज, 7-8 साल पहले भी वहां पर इसी तरह के मामले आए थे, लापरवाही हुई थी, कई मौतें उस वक्त तो करीब 100 के आसपास तक मौतें हुई थी। उस वक्त एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया था बाहर से, क्या अब उस पद पर कोई है या वहाँ पर वहाँ की निगरानी कौन कर रहा है? सुपरिंटेंडेंट होती हैं यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटर पे मेरे को अभी इस वक्त पता नहीं है कि वहाँ पे कोई है या नहीं। हम लोगों ने ये सारी सूचना मांगी है उनसे कि बताइए कि क्या क्या स्टाफ है, बट जो मैं देख रही हूँ दो फोल्ड की प्रॉब्लम है। एक तो लार्जर इशू है कि बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग है, स्पेस की कमी है, स्टाफ की कमी है, इसको एक डिपार्टमेंट के लेवल पर वर्कआउट करने की ज़रूरत है। और कुछ तो बिल्कुल लैप्स है, अगर सीसीटीवी कैमराज हैं और जो लोग वहाँ का निरीक्षण कर रहे हैं तो उन्हें ये नहीं दिख रहा। हमें एक रात में वहाँ पर रहकर दिख गया ये सीसीटीवी कैमरा ज़रूर कोई ना कोई आदमी देख रहे होंगे। और जिस तरीके से वहाँ पर मेंटली चैलेंज्ड महिलाओं से ही काम कराया जा रहा है, जब हम एक पहले होम में घुसे तो हमने देखा कि जो वहाँ की स्टाफ है वो पैर दबवा रही थी मेंटली चैलेंज्ड महिलाओं से, और ये महिलाएं तो ऐसी हैं इनका कोई मतलब, इनको तो कोई इनकी कोई सुनवाई नहीं है। ऐसी महिलाओं पहले भी ये तय हुआ था कि वहाँ से लोगों को शिफ्ट किया जाए ओवरक्राउड की वजह से, और तिमारपुर और द्वारका इलाके में कहीं पर शिफ्ट करने की चर्चा भी हुई थी, क्या उस पर भी कोई बात हुई? दो जगहों पे बने हैं उस 2010 के बाद, दो होम्स और बने हैं लेकिन वो इनफ नहीं है। और अभी 5 होम्स बताए जा रहे हैं जो कि तैयार खड़े हैं लेकिन वो भी उसमें उनको ऑपरेशनलाइज करने में टाइम लग रहा है। लेकिन ये समय क्यों लग रहा है? ये समय नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है और उन महिलाओं की ज़िंदगी का सवाल है। 11 मौतें हो गई और कितनी मौतों का हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो साफ तौर से इनका कहना है कि समाधान होना चाहिए, विवादों से मतलब नहीं है। मंत्री की भी जिम्मेदारी बनती है, अधिकारी की भी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन समाधान का कोई रास्ता निकले इसे नोटिस जारी किया गया है, और उम्मीद ये भी जता रहे हैं कि चूंकि रिपोर्ट सरकार को दी जाएगी तो शायद उससे कोई समाधान भी निकलेगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन संदीप नामुंडा के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़ के लिए।